हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका एक नया रिक्रूटमेंट, जो कि DMRC की तरफ से रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। DMRC की तरफ से जो वैकेंसी निकल कर है, उसके लिए आप लोगों को एक एक जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है तो देखिएगा पूरा वीडियो। यहाँ पर एक एक जानकारी DMRC की तरफ से जो रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली मैं मेंशन कर देता हूँ, DMRC की तरफ से जनरल मैनेजर के रिक्रूटमेंट है और ग्रेजुएशन कंप्लीटेड कैंडिडेट चाहिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन DMRC की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें भी मेंशन किया गया है, तो चलिए उसको भी एक बार देख लेता हूँ एंड वहाँ पर भी एक एक जो अपडेट दिया गया है उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे दिल्ली मेट्रो रेल की तरफ से जो अपडेटेड नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जनरल मैनेजर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों ही पोस्ट के अंदर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। सैलरी आपको 1 लाख से शुरू होने वाला है एंड इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री और सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के ऊपर जो है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप भी इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। इम्पोर्टेंट जो रिक्रूटमेंट की अपडेट नोटिफिकेशन, दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको जो है सैलरी जो मैंने आप लोगों को बताया दिया जा रहा है, और इसके साथ साथ यहाँ पे स्क्रीनिंग प्रोसेस जो है यहाँ पे उसको मैं बता देता हूँ कि आपका डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा। अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, आपको डायरेक्ट जो इंटरव्यू होने वाला उस इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो जो आपको जो है यहाँ पे इसको जॉब आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को 60 इयर्स तक आप लोग जॉब कर सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमम दिया गया 60 इयर्स, और इसके साथ साथ यहाँ पर फॉर्म भी दिया गया है, जिस फॉर्म को आप लोग 24 अप्रैल 2023 तक आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जहाँ पे पास में ही आपका एक फ़ोटो अटैच करना होगा, जिसके साथ साथ आपका नाम देना होगा यहाँ पे, उसके साथ आपका एप्लीकेंट नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, उसके साथ आपका एज क्या है, 1 अप्रैल 2023 में आपका कितना एज और मंथ डेट होता है यहाँ पर जो है यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप लोग एप्लीकेशन कर इसको भी कैलकुलेट करके चेकआउट कर लेना। कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस भी दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे देना होगा, मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे कैटेगरी भी मेंशन किया गया है, उसके बाद क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आपको मेंशन करना होगा, टोटल वर्क एक्सपीरियंस, उसके साथ साथ वर्किंग एक्सपीरियंस सब कुछ यहाँ पे देना होगा। ये सारे फॉर्म को सही तरीके से फिलअप करके डेट प्लेस सिग्नेचर करके आपको भेजना होगा। फॉर्म के साथ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस NOC, प्रेजेंट एम्प्लॉयर के सर्टिफिकेट, वैलिडेंस एंड D&AR क्लियर फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर, APR की पूरा जानकारी यहाँ पे दिया जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा लिंक, उसमें से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इस एप्लीकेशन फॉर्म को एंड देन आप लोग वहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हो। तो आज के लिए यहाँ पे ही ख़त्म करने वाला हूँ। वीडियो को पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।